तो आज हम बिल्डिंग मटेरियल का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सीमेंट, यानी कि मैं सीमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के घटक, सीमेंट में कौन कौन से घटक होते हैं, यानी सीमेंट को बनाने के लिए हमें जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करना होता है, उन सबको मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट आपके सामने लिखे हुए हैं, बट मैं आपको इसको ट्रिक से याद कराता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है इसकी, बिल्कुल इजी ट्रिक है, इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, लाइम, लाइम सा, फिर जिम सा। ट्रिक क्या है, लाइम सा जिम सा, ठीक है। तो लाइम सबसे पहला क्या हो जाएगा, लाइम, यानी कि सीमेंट में पहला कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, लाइम। दूसरे नंबर पे क्या है, एस, एस फॉर होता है सिलिका, यानी दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया सिलिका। तीसरे नंबर पे ए, ए फॉर हो जाएगा एल्यूमिना, यानी तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया इसमें एल्यूमिना। और चौथा क्या है, जी, जी फॉर होता है जिप्सम, ठीक है। उसके बाद आता है आई, आई पांचवें नंबर पे हो गया आई, आई फॉर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। फिर छठे नंबर पे है एम, एम फॉर क्या हो जाएगा, मैग्नीशिया। फिर सातवें नंबर पे क्या है, एस, और एस फॉर हो गया सल्फर, क्लियर। सातवें नंबर पर सल्फर आ गया, आठवें ए है, ए फॉर हो गया एल्कलीज, क्लियर। तो इस तरह से सीमेंट में ये आठ कॉन्स्टिट्यूएंट है, लाइम सा जिम सा, ठीक है। अब इनकी परसेंटेज वैल्यू देखिए कैसे याद रखनी है आपको। ये मैंने जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट लिखे हुए हैं सब सिक्वेंस में है, यानी सबसे ज्यादा लाइम है, उससे कम है सिलिका, फिर उससे कम एल्यूमिना, ये सब घटते क्रम में है, ठीक है। तो लाइम जो होता है सीमेंट में वो सबसे ज्यादा होता है 62 से 65%, कितना होता है 62 से 65%। फिर सिलिका होता है आपका 17 से 25%, ठीक है। इसके बाद होता है एल्यूमिना, एल्यूमिना जो होता है वो होता है 3 से 8%। इसके बाद आता है जिप्सम, इनको देखो डायरेक्टली आप याद करना, 3 से 4, 3 से 4, 1 से 3, 1 से 3, और फिर ये 0.2 से और 1%, यानी कि ये सब परसेंटेज में है, सबके सब परसेंट में है ये, ठीक है। कैसे याद करना, 62 से 65, 17 से 25, फिर 3 से 8, फिर 3 से 4, 3 से 4, 1 से 3, 1 से 3, और 0.2 से 1%। और इनका सबका सीक्वेंस क्या था, लाइम सा जिम सा, क्लियर। तो आसानी से आपको आई होप ये याद हो गए होंगे, आसान है बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, SSC JEE में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ सीमेंट में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, या फिर सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये सीक्वेंस में याद है तो आप इजीली बता सकते हैं कि सीमेंट में जो सिलिका होता है 17 से 25% के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट के घटक के कार्य, सीमेंट के घटक के क्या क्या कार्य हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, लाइम की। अब ध्यान से सुनना और बहुत आसान है, लाइम जो होता है सीमेंट का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या, ये मेन कंपोनेंट है, ये क्या है, मेन कंपोनेंट है ये सीमेंट का, क्लियर। अब जब हम लाइम को सीमेंट में मिलाएंगे तो ये क्या करता है, ये एक बाइंडिंग मटेरियल है, इसलिए इसको हम बाइंडर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बाइंडर, ये मेन कंपोनेंट है और इसको हम बाइंडर बोलते हैं। और ये सीमेंट में स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, क्या करता है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है सामर्थ्य, हिंदी में कहते हैं सामर्थ्य, ठीक है। स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेगा ये, और साउंडनेस भी इम्पार्ट करता है, ठीक है। साउंडनेस, साउंडनेस का मतलब क्या होता है कि सीमेंट में जो मैक्सिमम वॉल्यूम आता है, जो मैक्सिमम आयतन होता है सीमेंट का, वो लाइम के ही कारण होता है, क्लियर। तो क्या क्या काम करता है लाइम, ये मेन कंपोनेंट होता है सीमेंट का, और ये बाइंडर है, बाइंडिंग मटेरियल होता है ये, सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये साउंडनेस भी देता है सीमेंट को, यानी कि जो सीमेंट का मैक्सिमम वॉल्यूम है वो लाइम के ही कारण आता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में है, 62 से 65% होता है ये, ठीक है। अब अगर हम इसको लाइम को एक्सेस में करेंगे, यानी कि अगर हम इसकी मात्रा ज़्यादा कर देंगे, एक्सेस का मतलब क्या हो गया, अधिकता में, अगर हम लाइम को अधिकता में रखते हैं, यानी कि 65% से भी ज़्यादा मिला देंगे अगर हम इसको सीमेंट में, तो क्या होगा, तो इससे हमारी जो सीमेंट है वो अनसाउंड हो जाएगी। अनसाउंड का मतलब क्या है, दोषपूर्ण हो जाएगी सीमेंट, दोषपूर्ण, ठीक है। यानी कि सीमेंट में इनरेगुलर वॉल्यूम चेंजेज आ जाएंगे, और क्या होगा, जिससे कि हमारी जो सीमेंट है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, जमाव के समय वो फैलने लग जाएगी, और
डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट। इतना सारा काम करता है कौन, लाइम, ठीक है। और अगर हम इस लाइम को डिफिशियंसी यानी कि कम मात्रा में यूज करेंगे, डिफिशियंसी, ठीक है, अगर हम लाइम की मात्रा कम रखेंगे तो इससे जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है, सीमेंट की स्ट्रेंथ वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, क्लियर। तो लाइम का क्या क्या काम है, लाइम सीमेंट का क्या हो गया, मेन कंपोनेंट हो गया, ये बाइंडिंग मटेरियल, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, बाइंडर कहते हैं। और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, और क्या करता है, ये साउंडनेस भी देता है सीमेंट को, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर देंगे, एक्सेस में यूज करेंगे यानी कि इसकी मात्रा बढ़ा देंगे, तो सीमेंट कैसी हो जाएगी हमारी, दोषपूर्ण हो जाएगी, उसका प्रसार होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका डिसइंटीग्रेट मतलब विघटन भी हो जाएगा, ठीक है, विघटन कहते हैं हिंदी में से, विघटन हो जाएगा। और अगर हम इसकी मात्रा कम रखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। तो आई होप आपको लाइम तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ लाइम को, और इसके बाद हम बात करेंगे फिर किसकी, सिलिका की, देखते हैं, ठीक है। तो सिलिका भी क्या काम करती है, ये भी सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, यानी कि सामर्थ्य प्रोवाइड करती है सिलिका भी सीमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सिलिका को बढ़ा दें, इसकी मात्रा क्या कर दें, बढ़ा दें, एक्सेस में अगर हम सिलिका को यूज करें, यानी 25% से भी अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, हमारी सीमेंट की स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ तो क्या होगी, बढ़ जाएगी, बट इसका जो सेटिंग टाइम होगा, बट इसका सेटिंग टाइम जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सेटिंग टाइम से मतलब क्या है, जैसे ही हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं और वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जैसे वो जमना शुरू करता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसका वो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। आपको पता होगा सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना होता है, वो होता है 30 मिनट, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है सीमेंट का, 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो होता है 10 घंटे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। सीमेंट यानी ओपीसी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट, और फाइनल कितना होता है, 10 घंटे, ठीक है। तो सीमेंट, ये सिलिका क्या क्या काम करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे, तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, साथ साथ क्या होगा, सेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, यानी सीमेंट को सेट होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिएगा, वो टाइम ज़्यादा लेगा सेट होने में, ठीक है। जैसे इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना था, 30 मिनट, तो 30 मिनट से भी ज़्यादा टाइम में सेट होना स्टार्ट होगी सीमेंट, क्लियर है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं किसकी, एल्यूमिना की, क्लियर। एक एक करके समझते हैं, बहुत ईजी है। एल्यूमिना क्या काम करेगा सीमेंट में, तो सीमेंट में एल्यूमिना जो होता है वो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है, यानी कि सीमेंट को जल्दी से सेट होने के लिए क्या करेगा, ये एल्यूमिना मिलाने पर सीमेंट जल्दी से सेट हो जाएगी, ठीक है, क्विक सेटिंग इम्पार्ट करेगा। और अगर हम इसकी मात्रा बढ़ा दें, यानी कि इसको भी किस में यूज करें, एक्सेस में अगर यूज करें, इसको ज़्यादा मात्रा में यूज करें, तो इससे जो सीमेंट का क्लिंकरिंग टेम्परेचर, ठीक है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर इसका घट जाता है, और जो हमारी सीमेंट है वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, यानी कि कमज़ोर हो जाएगी सीमेंट, किसकी वजह से, अगर एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा देंगे तो इसकी वजह से, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, जिप्सम की, चौथा है हमारा जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिप्सम पे, ठीक है। जिप्सम जो क्या करता है सीमेंट में, ये इनिशियल सेटिंग टाइम, जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, यानी कि प्रारंभिक जमाव काल जो होता है, ये उसको बढ़ा देता है, यानी कि सीमेंट को जल्दी से सेट नहीं होने देगा ये, ठीक है। ये रिटार्डर का काम करता है, ये पूछा भी जाता है, जिप्सम क्या है, रिटार्डर है, ठीक है। ये इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसके बाद आगे बात करते हैं किसकी, आयरन ऑक्साइड की। तो आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, देखो आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, ये दोनों के दोनों कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है, सीमेंट में कलर। जो आयरन ऑक्साइड होता है वो कैसा कलर प्रोवाइड करेगा, ये रेडिश, कैसा, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर देता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट में जो कलर प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, वो करता है आयरन ऑक्साइड, क्लियर। और कैसा कलर, रेडिश ब्राउन कलर। और मैग्नीशिया जो कलर देता है, मैग्नीशिया कैसा कलर देता है, येलोइश, ठीक है,
कैसा येलोइश कलर देता है मैग्नीशिया, येलोइश कलर। अगर हम इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, इसको एक्सेस में यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम किसको मैग्नीशिया को एक्सेस में यूज करते हैं, ये सीमेंट को क्या करेगा, अनसाउंड कर देगा, ठीक है, अनसाउंड। तो यहाँ से आपको इनमें तीन कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं, एक तो ये हो गया, इसके बाद जो सल्फर, ऐसे बात कर लेते हैं पहले सल्फर की भी, सल्फर, सल्फर क्या करेगा, सल्फर भी सीमेंट को साउंडनेस प्रोवाइड करता है, साउंडनेस, ठीक है। तो हमारे पास साउंडनेस तीन चीज़ की वजह से हो गया इसमें, किस किस की वजह से, एक तो मैग्नीशिया की वजह से, एक सल्फर की वजह से, और एक किसकी वजह से, इधर लाइम की वजह से, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन क्या होता है कि जो साउंडनेस होता है वो हम लाइम और मैग्नीशिया के लिए तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सल्फर के लिए इसका कोई भी टेस्ट नहीं है। तो ध्यान रखना किस किस के लिए टेस्ट है, एक तो लाइम के लिए, तो लाइम के लिए जो हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं उस एपरेटस का नाम क्या है, उस एपरेटस का नाम है ली चैटलियर एपरेटस, ली चैटलियर्स एपरेटस, ठीक है, ली चैटलियर्स एपरेटस की सहायता से क्या करते हैं, हम लाइम में साउंडनेस ज्ञात करते हैं। और अगर हमें लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों में करना हो, लाइम एंड मैग्नीशिया, लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए अगर हमें साउंडनेस पता करनी है, तो वो हम किससे पता करते हैं, उसका एपरेटस होता है ऑटोक्लेव एपरेटस, क्या होता है, ऑटोक्लेव एपरेटस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जो ली चैटलियर्स एपरेटस है वो किसकी साउंडनेस बताता है, लाइम की, और लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए कौन सा होता है, ऑटोक्लेव। लेकिन सल्फर की साउंडनेस ज्ञात करने के लिए कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना आपको ये, इसको अच्छे से याद रखेंगे कि सल्फर के लिए साउंडनेस का कोई टेस्ट नहीं है, जबकि लाइम के लिए और मैग्नीशिया के लिए टेस्ट होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आगे बात करते हैं इसकी एल्कलीज की। तो एल्कलीज सीमेंट में जो होता है ये एक दोषपूर्ण घटक है, और इस ये क्या करता है सीमेंट में, ये इफ्लोरोसेंस, यानी इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस यानी उत्फुल्लन कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं, उत्फुल्लन, ठीक है, उत्फुल्लन। उत्फुल्लन का मतलब क्या, आपने देखा होगा कई बार कि सीमेंट के जब दीवार पर हम सीमेंट यूज करते हैं तो उसे क्या होता है, सीमेंट पे एक वाइट ग्रे कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे धब्बे सफेद सफेद से, तो उसी को क्या कहते हैं, हम इफ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से आता है, एल्कलीज के कारण। तो ये याद रखना आपको, एल्कलीज के कारण क्या होता है, इफ्लोरोसेंस आता है सीमेंट के अंदर, क्लियर। तो ये सारे क्या थे, इसके फंक्शंस थे, इतना क्लियर है। अब देखो कुछ काम की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब सीमेंट का आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुका है पूरा, क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट के क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट में उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा सीमेंट के अंदर। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटिव जितने भी 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो SSC JEE DMRC JEE जितने भी इंपॉर्टेंट JEE के एग्जाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम जस्ट इसके बाद ही शुरू करते हैं, अभी इसी में क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है इसके। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट वाला, उसी पे बेस्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे सभी क्वेश्चंस की, और जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं मैं उनको साथ साथ इसकी हिंदी बताता रहूंगा। तो आपको ध्यान से देखना, एकदम ईजी क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट के मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है इसमें लाइम एंड सिलिका, ऑप्शन बी है सिलिका एंड एल्यूमिना, ऑप्शन सी है लाइम एंड एल्यूमिना, और ऑप्शन डी है लाइम एंड आयरन, ठीक है। तो मैंने आपको सीमेंट के इंग्रेडिएंट की ट्रिक बताई थी, क्या लाइम सा जिम सा, क्या लिखवाया था लाइम सा जिम सा, यानी कि पहले नंबर पर आता लाइम, दूसरे पे एस फॉर सिलिका, और पहले दोनों सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं ये, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है इसका, लाइम एंड सिलिका, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की। क्वेश्चन नंबर दो है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज आर, यानी कि
पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हम कच्चे पदार्थ यूज करेंगे उनकी परसेंटेज मात्रा कितनी कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है लाइम होता है 63% और सिलिका होती है 22% एंड अदर 15%। ठीक है, ऑप्शन बी में है लाइम 70% सिलिका 20% एंड अदर 10%। ऑप्शन सी है लाइम 40% सिलिका 40% एंड अदर 20% और ऑप्शन डी है none of these। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी परसेंटेज मात्रा। तो मैंने आपको बताया था लाइम जो होता है वो होता है 62 से 65% के बीच में और सिलिका होता है 17 से 25% के बीच में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए यानी कि लाइम 63% जो कि 62 और 65 के बीच में लाई कर रहा है और सिलिका 22% 17-25 के बीच में लाई करता है। तो ऑप्शन ए सही है इसका। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, यानी कि सीमेंट में हम जिप्सम ऐड करते हैं तो उसका काम क्या होता है? देखो, तो जिप्सम क्या करता है, जिप्सम इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है जिप्सम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट्स एज, यानी कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में जिप्सम जो हम यूज करते हैं वो किस चीज का कार्य करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सी में क्या है? रिटार्डर। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि जो हमारा जिप्सम होता है वो रिटार्डर की तरह काम करता है, ये सेटिंग टाइम को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई, यानी कि सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा एपरेटस होता है? तो होता है ऑप्शन ए है बिकार्ट्स एपरेटस, ऑप्शन बी है ली चैटलियर एपरेटस और ऑप्शन सी है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम साउंडनेस टेस्ट किसके द्वारा करते हैं? ली चैटलियर्स एपरेटस, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ली चैटलियर्स एपरेटस जो हम यूज करते हैं वो लाइम की साउंडनेस पता करने के लिए करते हैं। किसके? लाइम की। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अगर हम इसमें ऑटोक्लेव एपरेटस का यूज करेंगे तो वो किसके लिए करेंगे? तो वो करते हैं मैग्नीशिया एंड लाइम दोनों के लिए, यानी कि लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिए हैं क्योंकि वीडियो आपकी ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से खत्म करते हैं वरना वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन लाइम कंक्रीट लाइम इज यूज्ड एज, यानी कि लाइम कंक्रीट में लाइम हम यूज करते हैं वो किस फॉर्म में यूज करते हैं? ऑप्शन ए एडमिक्सचर, ऑप्शन बी बाइंडिंग एग्रीगेट, ऑप्शन सी फाइन एग्रीगेट और ऑप्शन डी कोर्स एग्रीगेट। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि लाइम क्या होता है, लाइम एक बाइंडिंग मटेरियल है। लाइम क्या है? लाइम बाइंडिंग मटेरियल है ये। ठीक है, तो लाइम बाइंडिंग मटेरियल है, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज, यानी कि सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट का पर्पज क्या होता है? तो ऑप्शन ए है टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसका। अब मैंने अभी बताया भी था आपको कि जो हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं किसके द्वारा? ली चैटलियर्स एपरेटस के द्वारा, वो फ्री लाइम को फाइंड आउट करते हैं उसमें। ठीक है, यानी फ्री लाइम की साउंडनेस बताते हैं उससे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट है द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी, यानी कि ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है? तो मैंने बताया था आपको इनिशियल होता है 30 मिनट और फाइनल होता है 10 आवर्स यानी कि 10 घंटे। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाई ली चैटलियर्स एपरेटस गिव्स अनसाउंडनेस टू, यानी कि जो हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं ली चैटलियर्स एपरेटस द्वारा वो किसकी अनसाउंडनेस देता है? वो देता है फ्री लाइम एंड फ्री लाइम ओनली या फिर मैग्नीशिया ओनली
या मैग्नीशियम एंड फ्रीलैम दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो ली चैटलियर्स एपरेटस ये करते हैं हम किसके लिए, फ्री लाइम के लिए यूज, ठीक है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर यहीं पे होता ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स तो ऑप्शन सी सही होता है इसका, यानी कि फ्री लाइम एंड मैग्नीशियम दोनों के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइम स्टोन इंटू क्विक लाइम, यानी कि लाइम स्टोन जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं हिंदी में, चूना पत्थर से जो हम क्विक लाइम बनाते हैं यानी चूना प्राप्त करते हैं, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, चार्जिंग, कैल्सिनेशन, हाइड्रेटिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आपको यहाँ रिएक्शन बता देता हूँ थोड़ी सी, CaCO3 इसे कहते हैं हम लाइम स्टोन, ठीक है। अगर हम इसको हीट कर दें 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हीट करें तो हमें यहाँ से CaO प्राप्त होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकल जाएगी इसमें से, तो इसको कहते हैं हम क्विक लाइम। और ये जो रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन का नाम होता है कैल्सिनेशन, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको हम निस्थापन, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है इसका, 10 में का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आई होप आपको ये वाले 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये इसी टॉपिक से रिलेटेड थे, सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड। तो आपका ये वाला टॉपिक अब पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है।